आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी 58 में स्वागत है। और आज की इस वीडियो के साथ मैं अशोक कुमार, और आज की इस वीडियो के अंदर जो स्माइल 3 प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के अंदर हम यहाँ फिर से डेट नहीं डाली है, तो ये आपके 23 तारीख को 23 सितंबर को 23/9 की जो आपके वर्कशीट आई थी उस वर्कशीट का हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में मिले, तो भारत के अंदर जो प्राचीनतम अभिलेख है वो किस भाषा में मिले आपको, प्राकृत भाषा में मिले। कौन सी भाषा में मिले, प्राकृत भाषा के अंदर मिले, जो किसके, मौर्य शासक अशोक के जो अभिलेख है वो भारत में प्राचीनतम अभिलेख माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवेदक नामक अधिकारी का क्या काम था, तो प्रतिवेदक नामक जो अधिकारी का काम था कि लोगों के जो समाचार है, किसके, लोगों के यानी जो जनता के समाचार है उन समाचारों को सम्राट तक पहुँचाना है। सम्राट कौन था उस समय, अशोक था, तो सम्राट अशोक तक उनका क्या करना था, उसको संदेश, जो भी लोगों के समाचार थे या संदेश थे उन संदेशों को पहुंचाने का ये काम करता था, यानी संदेशवाहक था। क्या था ये, जो प्रतिवेदक नामक अधिकारी का काम क्या था, लोगों के जो समाचार है उसको सम्राट तक पहुंचाना था। अगला जो हम क्वेश्चन है वो देखेंगे, अशोक ने अपने राज्यारोहण की कौन से वर्ष में कलिंग की विजय की थी, तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, अशोक ने अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष में कलिंग की विजय की। आपको पूरा आंसर लिखना, कलिंग कहाँ है, वर्तमान के अंदर जो आधुनिक जो तटवर्ती उड़ीसा है वहाँ पर स्थित है, और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपना क्या करते हैं, वहाँ बहुत बड़ी पैमाने पर जो खून खराबा हुआ था उसके कारण अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, और उसके बाद आजीवन उसने अहिंसा की नीति पर जोर देना प्रारंभ किया था, यानी हिंसा की नीति को त्याग दिया था। अगला जो क्वेश्चन है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका होगा, बंगाल जो एशियाटिक सोसाइटी है उसकी स्थापना कब होती है, 1784 में होती है, और कौन करते हैं, सर विलियम्स जोन्स करते हैं। अगला जो क्वेश्चन संख्या इसका 5 है, कनिष्क के राज्यारोहण के वर्ष से कौन से संवत प्रारंभ होता है, तो कनिष्क के राज्यारोहण के वर्ष से शक संवत प्रारंभ होता है। कौन सा संवत प्रारंभ होता है, शक संवत, और कब होता है, ये 78 ईस्वी के अंदर प्रारंभ होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।